वेरी गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू किंगडम, किंगडम फंजाई के बारे में बात करेंगे। चलिए तो बात करते हैं हम लोग किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, फंजाई की यदि बात करें तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं दे आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के, एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी फंजाई कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। यीस्ट कैसा है? यीस्ट है यूनि सेलुलर। फंजाई के जो मेंबर हैं ये यूकैरियोट या यूकैरियोटिक होते हैं। तो दे आर यूकैरियोट्स या फिर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा यदि बात करेंगे हम फंजाई के मेंबर्स के बारे में तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका रहेगा और इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है? वो माइसीलियम की बॉडी होती है, मतलब बॉडी जो है वो कई सारे हाइफे से मिलकर बनी हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं फंजाई में। अच्छा एक बात और, इनकी बॉडी ग्रीन नहीं होती, तो कैसी होगी? दे आर नॉन ग्रीन, दे आर नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन होते हैं। फंजाई की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंजाई की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। या फंगस कॉल्ड माइकोलॉजी। और जो साइंटिस्ट हैं उनको क्या बोलेंगे? एंड साइंटिस्ट कॉल्ड माइको लॉजिस्ट। और फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी ये हैं मिकेलिस। इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी ये हैं डी बेरीज, डी बेरी, इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें आगे तो हम बोल सकते हैं कि जो फंजाई होते हैं ये हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं दे आर हेटेरो ट्रॉफिक इन नेचर। और हेटरोट्रॉफिक में इनकी तीन कैटेगरी आती है, कौन कौन सी हैं? हेटरोट्रॉफिक
एक तो है पैरासाइटिक, जो पैरासाइटिक हैं, फंजाई हैं, पैरासाइटिक फंजाई, ये क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं, दे कॉजेस डिजीज। एग्जाम्पल के लिए कुछ कोलेट्रोट्राइकम हो गया, इसके अलावा आपका एस्परजिलस हो गया और अल्टरनेरिया हो गया। एस्परजिलस हो गया, अल्टरनेरिया हो गया। दूसरी कैटेगरी आती है सेप्रोफाइटिक फंजाई, जो डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन ले रहा है, सेप्रो फाइटिक फंजाई। और तीसरी है सिम्बायोटिक फंजाई। सिम्बायोटिक फंजाई वो होती हैं जो बेनिफिशियल होती हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के साथ ये रह रही हैं उसके लिए ये बेनिफिशियल होती हैं, तो दे आर बेनिफिशियल टू दी ऑर्गेनिज्म विद विच दे लिव, जिसके साथ ये रहती हैं उसके लिए बेनिफिशियल है। इसमें एग्जाम्पल है आपका, जैसे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है लाइकेन, एक है माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या देखा जा रहा है, माइकोराइजा में आपका फंजाई है और प्लस हायर प्लांट की रूट होती है। माइकोराइजा में क्या होता है, माइकोराइजा में फंजाई होती है, फंजाई के साथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट की रूट हो गई। हायर प्लांट में आपके पास आता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, इनके साथ फंजाई एसोसिएशन बना के रहेगा। तो ये हो गया इनका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये पॉइंट नोट करें, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। ऑल डन, फंजाई के लिए कुछ बात कही गई है कि कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो बहुत टेस्टी और एडिबल होती हैं, और कुछ फंजाई ऐसी हैं जो पॉइजनस होती हैं। तो हम लिख सकते हैं सम फंजाई आर एडिबल एंड डिलीशियस, जिसे हम बोल सकते हैं टेस्टी नहीं फंजाई। और क्या होती है, एग्जाम्पल है उसका मशरूम, अगेरिका जिसको बोलते हैं। और जो सबसे टेस्टी मशरूम है वो कौन सी है, मोस्ट टेस्टी, या आप मोस्ट डेलिशियस बोल सकते हो, मोस्ट टेस्टी मशरूम ये है अगेरिकस बिस्पोरस। ये सबसे टेस्टी मशरूम है अगेरिकस बिस्पोरस।
और कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो पॉइजनस होती हैं। सम फंजाई आर पॉइजनस कॉल्ड, उनको बोलते हैं टोड स्टूल। ये भी मशरूम ही है लेकिन ये पॉइजनस मशरूम है, ठीक है? तो ब्रैकेट में रख देते हैं, क्या है ये भी मशरूम है। और सबसे ज्यादा पॉइजनस मशरूम कौन सी है? अच्छा, ये किस तरह दिखती है? ये कुछ ऐसे दिखेगी आपको, देखो ये ऐसे दिखाई देती है। यही है टोडस्टून। मोस्ट पॉइजनस मशरूम के लिए बात करें, मोस्ट पॉइजनस मशरूम यदि बात करें तो ये कौन सी है? मोस्ट पॉइजनस मशरूम जो है वो है हमारे पास अमानिता मस्कोइडस। अमानिता मस वाइडेस, ये सबसे ज्यादा पॉइजनस मशरूम है, ठीक है जी? तो ये बात हो गई इसकी। आगे यदि बात करें तो हम यदि स्ट्रक्चर समझेंगे या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो जो फंजाई हैं ये हाइफे से बनी होती हैं। हाइफे का एक नेटवर्क रहेगा और उस नेटवर्क को बोलेंगे माइसीलिया। तो फंजाई की बॉडी माइसीलियम की बनी होती है। तो हम ये बोल सकते हैं दी बॉडी ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ माइसीलियम, ठीक है? माइसीलियम क्या है? इट इज नेटवर्क ऑफ हाइफे। ये हाइफे का नेटवर्क होता है, ठीक है? देखो जैसे ये हो गया फंगल स्पोर, ये है फंगल स्पोर। अब इस फंगल स्पोर में चेंज हुआ तो इससे डेवलपमेंट हो गई और फंगल स्पोर से ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना है दिस इज कॉल्ड फंगल हाइफे। फिर ये हाइफे एक नेटवर्क बनाएगा, ये जो हाइफे से नेटवर्क की फॉर्मेशन हो गई। ठीक ये है माइसीलियम और यही आपकी एडल्ट फंजाई होगी, माइसीलियम, ठीक है? यही एडल्ट फंजाई कहलाएगा। इसका मतलब फंजाई के में फंजाई में कोई रूट, स्टेम और लीफ नहीं है। फंगल बॉडी डू नॉट हैव रूट, स्टेम या लीफ, ये सब नहीं होता इसके अंदर, ठीक है? तो ये बात हो गई, माइसीलियम की बात कर ली हमने कि फंजाई की जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई है? माइसीलियम की बनी है। इसके अलावा फंजाई जो होते हैं ये शेड लविंग होते हैं, मतलब ये जहां लाइट थोड़ी कम रहे, लो लाइट रहे, ऐसे शेडी एरिया में पाए जाते हैं। और जो शेडी एरिया में पाए जाए उनको बोलते हैं स्कियोफाइट। तो फंजाई कैसे होते हैं? ये स्कियोफाइट नेचर के होते हैं।
फंजाई आर स्कियोफाइट या स्कियोफाइटिक, स्कियोफाइटिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये होते हैं शेड लविंग। और ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन मॉइस्ट वार्म ह्यूमिड एंड शेडी एरिया। यहाँ पर ये फंजाई ग्रो करते हैं, ठीक है, ये नोट करें। इसके बाद हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कि फंजाई को कितनी कैटेगरी में, कितने ग्रुप्स में बांटा गया है और क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। तो इसको नोट कर लें, फिर फंजाई के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। चलिए तो बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई को जो क्लासिफाई किया गया है उस क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस हैं। तो तीन बेसिस हैं जिसके बिहाफ पर फंजाई को बांटा गया। बेसिस यदि देखोगे, पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई, दूसरा है टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, इसमें कौन सी फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, और तीसरा है टाइप ऑफ स्पोर, किस तरह का स्पोर बन रहा है। इन तीन कैरेक्टर के बिहाव पे फंजाई को बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। और क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला फंजाई है नंबर वन, वो है फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस को फिर दो क्लासों में बांटा गया। एक है ऊमाइसिटिस और दूसरा है जाइगोमाइसिटिस। ऊमाइसिटिस में आपके पास आते हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे तो म्यूकर हो गया, एल्ब्यूगो हो गया। जाइगोमाइसिटिस में एग्जाम्पल देखेंगे तो आ जाएगा राइजोपस, ठीक है। इसके बाद एक आता है एस्कोमाइसिटिस, जो कि सैक लाइक फंजाई है। एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस में देखेंगे एग्जाम्पल तो हमारे पास आ जाएगा यीस्ट, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। तीसरा है बैसिडियोमाइसिटिस, बैसिडियोमाइसिटिस जिसके एग्जाम्पल हैं अगेरिकस, अस्टिलेगो और पक्सीनिया, ये हो गए। चौथा है ड्यूटीरोमाइसिटिस, ड्यूटीरोमाइसिटिस इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, कोलेट्रोट्राइकम, ये सारे। तो ये हो गई आपकी
चार क्लासेस फंजाई की। तो फंजाई को चार क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, और डिवीजन का जो बेसिस है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी या टाइप ऑफ स्पोर कैसे बन रहे हैं, उनके बिहाफ पे फंजाई को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब हम माइसीलियम जो है उसकी मॉर्फोलॉजी समझते हैं कि माइसीलियम कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं जरा माइसीलियम के बारे में, थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो माइसीलियम जो है उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, एक नोट लिख लेते हैं। माइसीलियम मल्टी सेलुलर हो सकता है और यूनि सेलुलर भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर माइसीलियम इज कॉल्ड सीनोसाइटिक। इस कंडीशन को सीनोसाइटिक बोलते हैं यदि कंडीशन मल्टी सेलुलर रहेगी, और यदि रहेगा यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे ए इनो साइटिक। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मल्टी सेलर है तो सीनोसाइटिक, यूनि सेलर है तो ए सीनो साइटिक। अब हम इस पे कुछ माइसीलियम बनाते हैं कि वो कितने तरह के हो सकते हैं। देखो, देखिए जैसे माइसीलियम की एक कंडीशन ये हो सकती है, जैसे ये माइसीलियम है सर सिंपल। एक बार पीछे कर दो। ओके, तो जैसे हम लोग माइसीलियम की बात कर रहे हैं, माइसीलियम में आपके पास एक ये कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ब्रांच नहीं है और इसमें कई सारे न्यूक्लियस देखे जा रहे हैं। तो कंडीशन हो गई ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो इसको क्या बोलेंगे? ये है सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक है, कोई सेप्टम नहीं है बीच में, तो एसेप्टेट है, और ब्रांच भी नहीं है तो अनब्रांच्ड है। तो यहां पर कंडीशन क्या है इस माइसिलियम की? सीनोसाइटिक है, एसेप्टेट है, अनब्रांच है। दूसरा बनाते हैं एक और माइसीलियम, कुछ ऐसा भी हो सकता है यहां पर ब्रांचिंग नजर आ गई, लेकिन है ये भी कैसा? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ब्रांचिंग तो है लेकिन सीनोसाइटिक कंडीशन है यहाँ पर भी। तो इसमें कंडीशन क्या लगेगी? इसमें कंडीशन लग जाएगी सीनोसाइटिक है और एसेप्टेट है, बट ये ब्रांच्ड है। एक और कंडीशन देखो माइसिलियम की क्या हो सकती है, कि माइसीलियम कुछ इस तरह से हो सकता है, अनब्रांच हो सकता है, मगर ये इसमें ना सेप्टम देखे जाते हैं ऐसे, जिस वजह से ये यूनि न्यूक्लियेटेड हो गया, ये है सेप्टम। तो यदि इसकी बात करें हम, तो इसमें क्या कंडीशन बन रही है? इसमें कंडीशन बन रही है एसिनोसाइटिक है ये, और सेप्टम है तो सेप्टेट हो गया, ब्रांच नहीं है इसलिए अनब्रांच्ड हो गया।
और एक कंडीशन क्या बन सकती है? एक कंडीशन ये बन सकती है, इसमें जो फंजाई है वो कैसा है, ये भी सेप्टम है बीच में, तो ए सीनोसाइटिक हो गया, ए सीनोसाइटिक है। इसके अलावा सेप्टम है तो ये सेप्टेट हो गया, और कैसा हो गया, ये वाला ब्रांच्ड है। तो ये हमने मॉर्फोलॉजी समझ ली माइसीलियम। तो माइसीलियम किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि ये चार तरह के माइसीलियम हमारे सामने देखे जा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं तो समझते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कि फंजाई में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई में यदि रिप्रोडक्शन को समझें तो फंजाई में रिप्रोडक्शन तीनों ही तरह से हो सकता है। दे कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये तीन तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वेजिटेटिव हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल हो सकता है। सबसे पहले हम फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को समझते हैं कैसे होता है। तो देखिए, पहले देखते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव की यदि बात करेंगे तो इसमें मेनली जो फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो मेनली होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, मेनली बाय फ्रेगमेंटेशन। मेनली तो इसमें फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं अगेरिकस की बात करूं, एग्जांपल लेके चलते हैं अगेरिकस का। अगेरिकस है तो ये अगेरिकस की बॉडी हो गई, ठीक है। इससे एक फ्रेगमेंट ब्रेक हुआ, ये फ्रेगमेंट ब्रेक हुआ, ये फ्रैगमेंट फॉल होगा किसके ऊपर, फॉल ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम, सुटेबल सबस्ट्रेटम उस पे फॉल हुआ, और उससे ये जो आपका फ्रैगमेंट है ये क्या कर जाएगा, ग्रो करेगा, ग्रो इनटू एन अडल्ट, एक अडल्ट फंजाई बना लेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें, एक तो वेजिटेटिव हो गया, दूसरा समझोगे तो इसमें हो सकता है बाइनरी फिजन हो सकता है, बाइनरी फिजन इन सम फंजाई, कुछ फंजाई में बाइनरी फिजन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यीस्ट में होता और कुछ फंजाई में बडिंग भी हो सकती है, तो बडिंग इन सम फंजाई।
एग्जाम्पल के लिए ईस्ट हो गया, तो ईस्ट में बडिंग भी होती है, बाइनरी फिशन भी होता है, और फ्रेगमेंटेशन तो मेन है फंजाई के अंदर, जो कि उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पर हमने फंजाई की आज काफी प्रॉपर्टी समझी और रिप्रोडक्शन को भी समझ लिया। रिप्रोडक्शन में हमने पहला वाला समझ लिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो कल हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एंड लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। तो नेक्स्ट क्लास में हम फंजाई को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लगभग हमारा जो पोर्शन है इसका कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ तक करके रखें, बाकी बात करते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, जो भी डाउट है वो आप लोग शेयर कर सकते हैं।